कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। आज का बाजार में बहुत ज़्यादा वॉलिडिटी था, इसका रीजन क्या था आप सभी को पता होगा, पॉलिसी था। अब देखिए, पॉलिसी के बाद इतनी बड़ी तेजी, फिर उसके बाद मंदी, इतना सब कुछ हुआ क्यों, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ में बात कर लेंगे कि कल किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, हमारे क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट हो सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखो, आराम से देखो, क्योंकि देखिए जब भी समझ में आएगा, जब आप वीडियो को पूरा देखोगे, समझोगे, चीज़ों को देखोगे तो समझ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक ऊपर की साइड, इस जगह देखिए एक रेजिस्टेंट का लाइन बना देता हूँ और इसका एक रीजन बता दूंगा, ठीक है। और नीचे की साइड अगर आप देखो ना, तो नीचे की साइड देखिए ये वाला जो प्राइस है, आपको याद है ये वाला जो प्राइस मैं आपको बता के गया था 50,900 वाला, इसको भी मैं बात करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपन समझते हैं कि मॉर्निंग में क्या हुआ। अगर आप देखो तो मार्केट ओपन हुआ इस कैंडल के साथ, ठीक है। कैंडल ठीक था, कोई ज़्यादा बेरिश कैंडल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप समझोगे ना, ये कैंडल ऐसा क्यों बना, आप इसके पीछे देख लीजिए, यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस था और प्लस आपके यहाँ पे सेलर भी, ठीक है। जैसे ही मैं एस लिखूँ तो समझ जाना सेलर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ये वाला जो पूरा मूव था, ठीक है, ये वाला जो पूरा मूव बना, ये आपका न्यूज बेसिस पे बना। यानी अगर आप देखो, जैसे ही पॉलिसी स्टार्ट हुआ, पॉलिसी के बाद आपका एक बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ अच्छा न्यूज़ था, तो बाजार ने क्या किया, उस पर रिएक्ट किया, ठीक है। बाजार ने रिएक्ट किया और जो है ऑलमोस्ट आपका 500 से लेके 600 पॉइंटों की कैंडल बनी, सिर्फ दो कैंडल बनी थी। और दो कैंडल का मूव किस तरीके का था, इतने बड़े बड़े कैंडल के साथ, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ ये दो कैंडलें हमको देखने होगी। लेकिन मैंने आपको हमेशा क्या बताया कि इतनी बड़ी कैंडल अगर बनती है तो उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना, आपको बाइंग साइड, ठीक है, आपको ज़्यादा बाइंग साइड रिएक्ट नहीं करना है। और ख़ासकर जब आपका वो रेजिस्टेंट आ जाता है, आप पीछे अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंट वाला पॉइंट था, तो यहाँ पे आपको रिएक्ट नहीं करना है। उसके बाद सेलिंग आए, अब ये वाला जो लेवल था, ये पहले क्या था, रेजिस्टेंट का लेवल था, जो भी आपका सपोर्ट बना, फिर इसमें मूव देखने बोला। अब देखिए यहाँ पे अगर आप पीछे देखो ना, ये तो आपका 9 तारीख का, यानी आज के दिन का था। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, इस जगह जो कि आपका 7 तारीख को, ठीक है, 7 तारीख का भी अगर आप मूव देखोगे, या आप इस जगह 8 तारीख का भी मूव देखोगे, सेम आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट का जो इस जगह बाजार का जो बिहेवियर है ना, वो इसी तरीके का है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हुआ था, एक स्पाइक आया, स्पाइक आने के बाद फिर सेलिंग आया, फिर एक स्पाइक आया, ऊपर के लोगों को ट्रैप किया, फिर सेलिंग आ गया, ठीक है। अब आज के दिन एक ही चीज़ हमको अच्छी देखने को मिली, आज के दिन एक ही चीज़ काफ़ी अच्छा हुआ, बस साइड बेस नहीं था मार्केट। साइड बेस हो जाता है, आपका टीटा डिके हो जाता है, आपका टाइम डिके हो जाता है, और आपका ऑप्शन जीरो हो जाता है। बस ये चीज़ें आज के दिन नहीं देखने वाली, बाकी बाजार बहुत अच्छा था। अब चलिए समझते हैं कि कल किस तरीके से हम काम करके चल सकते हैं। तो देखिए, अब मूव आया, इसी कॉलम के अंदर आ गए, जो कि आपका देखिए ये वाला प्राइस था। अगर आप देखो तो शुरुआत में जो आपका 8 तारीख को था ना, 8 तारीख वाले रेंज में ये हम इस जगह आ चुके हैं फिर से, ठीक है। इसी रेंज के अंदर काम करें और यहाँ पे आपका ये रेंज बन चुका है। अब इस रेंज को थोड़ा आप समझिए कि ये रेंज आपका काम कैसे करेगा, ठीक है। इस रेंज को अगर आपने समझ लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप समझो, रेंज बना, यहाँ पे क्या हुआ कि ये आपके ऊपर वाले जो आपके देखिए यहाँ पे जो बायर थे, ठीक है, उनको पैसा बनाया, लेकिन जो सेलर थे उनके एसएल हिट किए, ठीक है। लास्ट में अगर आप देखो तो लास्ट में आपका देखिए सेलर ने ही यहाँ पे पैसा बना लिया, ठीक है, आपका बाजार नीचे आने के बाद। अब हम कल के दिन क्या देखेंगे कि अगर ये आपका इस जगह देखिए इसको ब्रेक कर देता है, इसको अगर ये ब्रेक कर देता है, जो कि आपका 50,900 इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं। ये वाला जो प्राइस है, जो कि ऑलमोस्ट आपका 50,300, ठीक है, यानी यहाँ तक हम आने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो ये वाला जो कॉलम है, ये अब आपका देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेंज बन चुकी है, ठीक है। इस इम्पोर्टेंट रेंज के अगर ये नीचे जाता है तो हम यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। प्लस अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ और 51,200 यानी इसके ऊपर सस्टेन होने लगा, किस तरीके से देखिए यहाँ पे सेलिंग आई, बाजार नीचे आए, फिर सस्टेन करने के बाद इसी जगह काम करने लगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए सेलर आपके एक्टिवेट है, यहाँ पे देखिए आर के बाद मैं एस लिखना चालू कर दूँ, आप समझ जाना रेजिस्टेंस के साथ आपके सेलर यहाँ पे एक्टिवेट है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी आपके, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए कि बाजार आपका ये मूवमेंट किया, ठीक है। अब जो पॉलिसी में निकल के आया वो रियल में अगर आपके बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है,
तो ऐसा नहीं है कि जब वो आज के दिन ही पूरा सब कुछ हो जाना था। अगर वो रियल में अच्छा है तो आप ये समझिए कि 51,200 इसके ऊपर अगर ये निकलता है, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है, आप ये देखिए कि 10 से लगे 15 मिनट ये आपका सस्टेन कर रहा है, ये आपके जो 5 5 मिनट की कैंडल है वो आपकी 3 कैंडल बन रही है, इस जगह सस्टेन कर रही है, इस प्राइस के ऊपर सस्टेन कर रही है, तो ऐसा सस्टेन कर रही है तो आप यहाँ पे सस्टेन करने दीजिए, फिर मूव देगा वो आपके लिए क्या होगा, सस्टेनेबल मूव होगा, यानी वहाँ पे एक अच्छा पैसा आप बना के निकलोगे बाजार के अंदर। अब इसमें अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो फिर आप ये समझिए कि इसमें ऑलमोस्ट जो हमारे ऊपर की सारे रेजिस्टेंस देखने बोलेंगे 51,300, फिर आपका 51,400, फिर आपका 51,500 और फिर आपका 51,600, फिर आपका इस जगह 51,700, यानी ऑलमोस्ट हम इस रेंज के आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे जो कि आपका ऊपर वाला रेंज हमको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए आज का जो कैंडल बनाना वो किस टाइप का है, इस प्राइस को जो एक्शन बनाना है, ये पूरा जो एक्शन हुआ है इसको मैं कहता हूँ कि ए एक्शन है, इसको हम ए पैटर्न का नाम देते हैं। अब देखिए कैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप देखो तो यहाँ से ये हमको तेज़ी देखने वाली, ठीक है, ये पूरा तेज़ी देखने वाला है आपका, अगर आप देखो अपसाइड का तेज़ी है, ठीक है, इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। उसके बाद ये आपका देखिए डाउन आया, ठीक है, ये आपका पूरा डाउन हमको देखने वाला। अब जो ए वाली जो लकीर है जो इसको ए बनाएगी उसको हम लेंगे यहाँ तक, ठीक है, ये आपका जे वाला जो प्राइस है, ठीक है। अब ये हमने कैसे लिया ये मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, ठीक है, पूरा एक एक चीज़ बहुत अच्छी से। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर थे यानी आपका सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या थे सेलर थे प्लस आपका रेजिस्टेंट था, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे अगर आप देखो ना तो ये आपका सस्टेन किया था इसने, जब ये वाला जो मूव बनाता था यहाँ पे देखिए ये वाला जो पूरा मूव बनाता, इस मूव बनने के बाद यहाँ पे देखिए जे वाला आपका रेजिस्टेंट था, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंट जब हुआ तो यहाँ पे इसने क्या किया, इस ये फर्स्ट रेजिस्टेंट या आपका सेकेंड रेजिस्टेंट, ठीक है, इस सेकेंड रेजिस्टेंट को आज के दिन इसने टेस्ट किया है, अगर आप देखो इसको टेस्ट किया है और यहाँ पे ये आपका पूरा ए बना है, देखिए ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंट का इस जगह से लाइन यहाँ तक आया और यहाँ पे इसने पूरा ए बना दिया, ठीक है, और जो पूरा मूव देखिए आपका अपसाइड गया, अपसाइड आने के बाद यहाँ पे डाउन साइड आया। अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर इसको नीचे की साइड जाना है तो इस वाले प्राइस को ब्रेक करने के बाद ये इस कंटिन्यू इस जगह सेलिंग देना चालू कर देगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन अगर इसको देखिए इसी पैटर्न को कंप्लीट करना है तो फिर ये इस प्राइस को ऊपर की साइड निकालेगा जो कि आपका 51,200 और यहाँ को निकालने के बाद देखिए ये आपका इस जगह तक जाने की कोशिश करेगा जो कि आपका 51,600 से लेके 51,700 तक, ठीक है, इस तरीके से बाजार आपका काम करेगा जी, हमारा पैटर्न इस जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आए। प्लस यहाँ पे एक और आप चीज़ों को ध्यान देना कि इसमें नया मूव हमको कब देखने बोलेगा, जब ये आपका 51,600 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा तो ये हमारा नया मूव देखना चालू होगा, और इसमें नई आपको सेलिंग कब देखने को मिलेगी, जब आपका ये आपका 50,400 को नीचे की साइड ब्रेक करेगा जब ये आपका नया सेलिंग के साथ जाएगा, ठीक है, तो यानी एक बड़ी रेंज मैंने आपको इस जगह बता भी दिया। अब अमेरिकी मार्केट को थोड़ा इस जगह हम देख लेते हैं, अमेरिकी मार्केट में काम किस तरीके से हो रहा है, तो अगर आप देखोगे तो डाउ जोन, ठीक है, डाउ जोन में अगर आप देखो तो डाउ जोन में आपको तेज़ी दिखाई दे रही है, लेकिन जो आईटी सेक्टर है वो आपका कहीं ना कहीं फ्लैट है, नेकडेस आपका आईटी सेक्टर है। एसपीएफ 500 अगर आप देखो तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट आपको फ्लैट दिखाई देगा, ठीक है, इस जगह अगर मैं बात करूँ तो हम इस चीज़ को बोल सकते हैं आपका बुलिश प्लस फ्लैट आपका साइड इस जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्लस ये हमारा यूट्यूब चैनल का है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाके भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा जी आप मुझे बिल्कुल बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।